हेलो एवरीवन, सविताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करेले के बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े, जो कि खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। बस मेरी बताई गई कुछ टिप्स को फॉलो कीजिएगा। कड़वे ना होने के कारण ये घर में बच्चे और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आप इनको बनाकर मेहमानों को खिलाएंगे तो वो भी पूछते रह जाएंगे ये कैसे बने हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 फ्रेश करेले ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब हम करेले के ऊपर का पार्ट काट कर अलग कर लेंगे और करेले को गोल बिना छीले काट लेंगे। बस इसी तरीके से हम अपने 3 करेले को काट लेंगे। आप चाहे तो इनका आप हल्का हल्का छिलका निकाल सकते हैं, पर मैंने नहीं निकालना है, मुझे ऐसे ही पसंद है। करेले एकदम फ्रेश होने चाहिए, वो अंदर से काले ना हो। तो बस 3 करेले को मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस पे, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे हमारे करेलों की कड़वाहट एकदम गायब हो जाएगी। जिसके लिए मैंने सभी कटे करेले को एक बाउल में डाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी दही ले ली है और ये दही एकदम फ्रेश है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एकदम थिक दही ली है। कोशिश कीजिएगा आपकी दही पतली ना हो। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल लेंगे। दही और नमक को करेलों में अच्छे से मिलने तक मिला लेंगे। करेले का एक एक पीस दही से अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से। बस सभी चीजें आपस में अच्छे से मिल चुकी हैं। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर छोड़ देंगे। A few moments later. 1 घंटे बाद मैंने करेले को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम करेले को पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। सभी करेले के पीस अच्छे से क्लीन हो जाने चाहिए। तो चलिए अब बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जैसे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच गरम मसाला। थोड़ी कसूरी मेथी हाथ से मसल कर इस तरह से डाल देंगे। आधा नींबू ले लिया है मैंने, उसका रस भी डाल दिया है। नींबू डालने से हमारे पकौड़े और भी टेस्टी लगेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और बेसन को अच्छे से घोल लेंगे। बेसन को हमें एकदम स्मूथ बनाना है, उसकी गुठलियां अच्छे से घुल जानी चाहिए। तो बस थोड़ा पानी और डाला है मैंने, फिर से अच्छे से बेसन को फेटेंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे और बेसन का एक थिक बैटर बना लेंगे। तो लीजिए बैटर भी बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम पकोड़े तल लेते हैं। अब हम करेले का एक एक पीस लेंगे और बैटर में इस तरीके से डिप करेंगे और फिर ऑयल में छोड़ देंगे, जो मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। तो बस इसी तरीके से हम करेले का एक एक पीस बेसन में डिप करेंगे और तेल में छोड़ते जाएंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। हमें कढ़ाई में उतने ही पकोड़े छोड़ने हैं जितने कढ़ाई में आसानी से आ जाए। पकोड़ों को हमें मीडियम टू लो गैस पे ही सेकना है। इससे हमारे पकोड़े एकदम क्रिस्पी बन के आएंगे और अंदर से अच्छे से सिक जाएंगे। तो बस जितने कढ़ाई में पकोड़े आसानी से आ जाए उतने डाल लिए हैं मैंने। थोड़ी देर सिकने देंगे इनको और जब ये एक साइड से सिकने लगे तो इनको हम पलट लेंगे। तरीके से हम उल्टी पलटी कर इनको अच्छे से सेक लेंगे, जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एक बार फिर से चलाया है मैंने। तो देखिए हमारे पकोड़े सिककर एकदम तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये पकोड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे पकोड़े पे। सारे पकोड़े बाहर निकाल लिए हैं मैंने।
चलिए जल्दी से इनको गर्म गर्म सर्व कर लेते हैं। आप जब इनको एक बार बनाएंगी तो बार बार बनाने की इच्छा होगी। बने हैं ना कितने क्रिस्पी और कितने स्वादिष्ट पकौड़े। आप इनको अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्व किया है धनिया पुदीने की चटनी के साथ। ऊपर से इनका स्वाद दोगुना करने के लिए इसमें चाट मसाला डाल दिया है मैंने। तो लीजिए खाने के लिए तैयार है हमारे करेले के पकोड़े। आप जब इनको खाएंगी तो बता नहीं पाएंगी किस चीज के बने हैं। आलू और पनीर गोभी के पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, पर एक बार आप करेले के पकोड़े मेरे इस बताए गए तरीके से जरूर बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा ये कैसे बने थे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से मिलते हैं ऐसी एक मजेदार न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।